हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सताक्षी वगैरह। सो आप टाइटल एंड थंबनेल से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि फिर से आज मैं आप लोगों के लिए हेयर केयर वीडियो लेके आई हूँ। सो अगर आपको एक हेल्दी हेयर चाहिए, अपनी हेयर फॉल को स्टॉप करना है, फिर अगर आपको अपनी हेयर की ग्रोथ करनी है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हेयर ऑयलिंग। यस मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर टाइम पे आपको हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए एंड द सेकेंड आपको गुड ऑयल पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दे। तो आज मैं आपके साथ एक ऑयल का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये सोनियाकर का भूमिजा हेयर ऑयल। इट हैज़ 30 आयुर्वेदिक हर्ब्स, यस 30, जस्ट लाइक अश्वगंधा, भृंगराज, मेथी, जो कि हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है। एंड साथ ही साथ इसमें 3 से 4 कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी आपको मिल जाता है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये पैराबीन, क्रुएल्टी एंड सिलिकॉन फ्री है, 100% वीगन है, नो मिनरल ऑयल, नो फ्रेगनेंस, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव। ओके, तो अगर मैं इसकी स्मेल की अगर आपकी बात करूँ ना, तो इसमें से ना एकदम हर्बल स्मेल आती है जो कि आपको रिलैक्स कर देती है, बिलीव मी। एंड इसके अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ओके, सेकेंड ये प्रमोट करता है आपकी हेयर ग्रोथ को। थर्ड, अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है ना, तो उसे भी ठीक कर देता है। एंड द लास्ट, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपके डैंड्रफ को भी ये ठीक कर देता है। मीन्स इस एक ऑयल से आपको इतने सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सो अब इसके हम एप्लीकेशन एंड टेक्सचर के बारे में बात करते हैं। तो आपको ऐसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो अगर मैं इसकी टेक्सचर की बात करूँ ना, तो यह आपको थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में मिलता है ना, आपको थोड़ा ही हैवी फील होता है। आई थिंक बिकॉज एक नेचुरल है एंड इसमें 4 से 5 कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलाया गया है, इसलिए तो थोड़ा सा मैं अपने पाम पे ऑयल लेती हूँ एंड उसके बाद जेंटली फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प पे से अप्लाई करती हूँ। हाँ, ये थोड़ा आपके हेयर को ऑयली बना देता है एंड शाइनी बना देता है, तो इसे मैं अच्छे से इवेली अपने स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जेंटली फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने स्कैल्प पे मसाज करती हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है एंड रिलैक्स्ड लगता है मुझे। तो इवेली अप्लाई करने के बाद ना, आपको एकदम थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसे अप्लाई करके। उसके बाद इसे जेंटली अपने मैं पूरे अपने हेयर लेंथ में अप्लाई करती हूँ। तो आप अपने हेयर लेंथ में अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर को ये मॉइस्चराइज करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड स्कैल्प में अप्लाई करते हैं तो जो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, ये उसे ठीक करता है। तो इसे इवेली अप्लाई करने के बाद अपने बालों को मैं सिक्योर कर लेती हूँ एंड इसे ओवरनाइट के लिए अपने बालों पर मैं रहने देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं क्या करती हूँ, शैम्पू एंड कंडीशनर की हेल्प से अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आफ्टर हेयर वॉश ना, आपकी जो हेयर हो काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करते हैं। ओके, एंड जो आपकी हेयर लेंथ हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट लगती है, आपकी स्कैल्प क्लीन लगती है। मीन्स जो डैंड्रफ की आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो भी दूर हो जाती है। एंड हाँ, ये तो आपकी हेयर फॉल को भी कम कर देता है। मुझे ना फर्स्ट यूज़ में ही दिखा कि जो मेरी हेयर फॉल है ना, वो थोड़ी कम हो चुकी है। सो इस ऑयल को मुझे यूज़ करते हुए 1 वीक ही हुआ है, मीन्स मैं 2 से 3 बार इसे अप्लाई कर चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सो जब मैं इस पूरे बॉटल का ऑयल कंप्लीट कर लूँगी, आई थिंक 1 महीना लगेगा मुझे, तो 1 मंथ के बाद ना मैं फिर से आपके साथ इसका मिनी रिव्यू शेयर करूँगी कि इस 1 बॉटल ऑयल को अप्लाई करने के बाद मेरे हेयर में क्या चेंजेस आए, मुझे क्या बेनिफिट देखने को मिले हैं। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। एंड आपको अभी स्क्रीन पे कूपन मेंशन हो रहा होगा भूमिजा 10। अगर आप इस कूपन कोड को उनके ऑफिशियल वेबसाइट में अप्लाई कर देना, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो मेक श्योर आप इसे परचेज करिए, बिलीव मी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है मुझे इसके 2 से 3 बार यूज़ में ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो करिएगा लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को ना आप सब्सक्राइब करना ना भूले। पास से आपको बेल आइकन दिख रहा है, आप उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। और आप मुझे मेरे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, जो मेरी इंस्टा आईडी है वो है सताक्षी वगैरह। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।